जी ग्राइंडर का काम हो गया ख़त्म, अब ये हाथ से एक टोका हो गया तेज। अच्छा ये बैल जी हमने पसंद की है नैतुररहमान भाई, इनसे लिया हमने, तो 1,20,000 ये डिमांड कर रहे थे, तो 1,10,000 में हमारा सौदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। सो आज यार शदीद गर्मी है, कल तो मैंने टेम्परेचर चेक किया था 37 था और फिर लाइक हो रहा था मेरे ख्याल में 47, और आज फिर वही हिसाब है। एक तो बिजली नहीं रुक रही, और जब बिजली आती है तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि फ्री बैठूँ। तो ये जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरे कज़न हैं, ताया के बेटे हैं, जहाँ साहब आप जानते भी होंगे, इन्हें एक पहले व्लॉग में मुलाकात हो चुकी है। तो इन्होंने ये रखी हुई मुर्गियाँ, ये अब जिधर हम लोग जा रहे हैं मुर्गियाँ पीछे ही घूम रही हैं, क्योंकि ये दो दिन से मेरे ख्याल में भूखी हैं क्योंकि ये आए नहीं हैं, इनकी तबीयत नहीं थी ठीक, मुझे इन्होंने कहा था लेकिन मुझे भी याद नहीं रही तो मैं इन्हें दाना नहीं डाल सका। तो ये अब जिधर जा रहे हैं हम लोग पीछे ही आ रही हैं, मुझे जहाँ साहब भाई ने मशवरा दिया था कि मुर्गियाँ रख लो तो मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने नहीं रखी, तो जहाँ सब खुद ले हैं और माशाल्लाह फ़ायदे में रहे हैं, सर्दियाँ इनकी ज़बरदस्त गुजर गई हैं, क्यों जहाज भाई। और उसके अलावा जनाब जो उस दिन ये पिछले व्लॉग में बात हुई थी कि वो उनसे क्या नाम था यार उनका, सूफ़ी साहब, सूफ़ी आबद साहब, इस दरख्त के बारे में उनसे मैं कह रहा था कि ये बिछवा दें कोई बंदा है अगर आपके पास कोई शटरिंग वाला, तो क्योंकि ये दरख्त जो है बाकी तो और किसी काम नहीं आता, ये ना इसकी लकड़ जलाने के काम आती है ना कहीं फर्नीचर में यूज़ होती है, तो बस इसके शटरिंग के वो निकलते हैं फटे वही बनते हैं। तो अब ये अगर कोई बंदा मिल जाता है तो इंशाल्लाह, ये भी दो दरख्त ये वाले हैं, ये वाली भी काट के बेच रहे हैं, क्योंकि इनका मसला ये है कि इनकी वजह से जो ये गार्डन का एरिया है थोड़ा, इन्होंने जड़ों का एक जाल बिछा दिया है नीचे ज़मीन में, तो उसकी वजह से कोई और पौधा जो है फ्रूट वाला पौधा या फूल का पौधा वो लग नहीं पा रहा। ये अब अमरूद बहुत पुराना पौधा है, वो पीछे पपीता है, तो अमरूद का ये आप देख लें मतलब तो पोलियो ज़्यादा पौधा है ये और बाकी जनाब इजाज़ साहब ने मुर्गी पकड़ लिया, देखते हैं ज़रा, इजाज़ साहब ये खानी नहीं है अभी ये तो इन्होंने वो फार्मी जो मुर्गियाँ होती हैं इन्हें क्या कहते हैं ये जा सब लेयर, ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ लेयर, ये तो वो हैं। इसके अलावा देसी मुर्गा और मुर्गे भी रखे हुए इन्होंने, उसने अभी माशाल्लाह बल्कि अभी अंडे भी निकाले हैं, वो बच्चे अंडे तो ज़ाहिर दिए थे, बच्चे निकाले हैं चूज़े, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी यार आपको समझ लग रही होगी गर्मी की क्या कंडीशन है, 2 मिनट अभी सिर्फ मैं धूप में चला हूँ और हबस बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना नहीं है बट हबस जो है ना ये चेक करें, इसको अगर मैं यहाँ से उंगली डालूंगा तो इसे कंफर्म मुझे काटना है, क्योंकि ये जिस मुर्गी ने बच्चे निकाले होते हैं ना वो बड़ी कुत्ती टाइप होती है, और ये होगी जी मुर्गी और ये हो गया मुर्गा। ये जा सब कौन सा है, गोल्डन बफ, ये गोल्डन बफ फैंसी मुर्गा है, ये गोल्डन बफ। अच्छा वो जो बच्चे उस मुर्गी ने निकाले वो ये जो ब्रीड है गोल्डन बफ इसके, अब पता नहीं आगे मुर्गी दूसरी है मुर्गा ये, पता नहीं आगे कहीं ब्लू बफ ना बन जाए। सो एनीवेज मैं और इजाज़ साहब गए थे केकड़ा पकड़ के लाया था, उसकी वीडियो का लिंक मैं एंड कार्ड में डाल दूंगा, तो वो इजाज़ साहब ने यहाँ पे आके छोड़ा था। ये जो चीज़ है मैं भी यही सोच रहा था घर में बनाऊंगा, तो यहाँ पे इजाज़ साहब ने वो छोड़ा था आगे, बट वो निकल के बाहर निकल गया और मेरा घर जो है इस गेट से निकल के इस साइड पर गली में आ गया, तो मेरे गली के सामने मेरे गेट के सामने आ गया था, तो वो मैंने पकड़ के रखा है, एक दिन बेचारा भूखा रहा तो मर गया। सो चले, ये था इजाज़ साहब के घर का थोड़ा सा विज़िट नए घर का, तो चलते हैं अब ज़रा देखने बैल एक दो देखें और दोबारा उनके पास जाना है, उससे कोई सौदा वगैरह बनाना है, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह क्या सौदा बनता है कितने का होता है। सो ओ अंडा, अंडा यार एक मुर्गी ने दिया है, अंडा उठा लेते हैं। इजाज़ साहब किधर है अंडा, वो पाइप के अंदर से वो आ जी वो
ये वो अंडा सामने पड़ा हुआ है। सो ये अंडा उठा लेते हैं। ये हो गया अंडा। ए थैंक्स। ये जहाज भाई ने एलोवेरा के पौधे लगाए हुए हैं, ये इनसे मैं भी लेके जाऊंगा। वो बच्चा निकल रहा है जो, ये एलोवेरा जी बड़े काम की चीज़ है और ये मैंने भी लेके जानी है। ये अलाज साहब भी आ गए, उमेर भाई भी आ गए। अभी चलना है जी, हमने देखना है बैल और उसका सौदा वगैरह बनाना है, वो फिर आपको दिखाता हूँ। ये वाला दरख्त गिर गया, ये चेक करें ज़रा, ये काफ़ी बड़ा दरख्त है और इसका भी कोई सौदा करना है। सो बैल देख लिए, दो हमने, दो बैल हमने देखे, दोनों अच्छे हैं। एक उसे कहेंगे चोगा कहते हैं, चोगा मतलब चार दांत उसके वो है, और दूसरा द्वंद है। और अभी दोबारा जाना है, वीडियो क्यों नहीं बना सका उनकी क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था, तो अभी घर आए हैं वो, वापस फ़ोन चार्ज किया है। अभी जाना है हमने उसके लिए सौदा करने, एक बैल जो हमें पसंद है द्वंद है वो, तो उसके पैसे वो मुनासिब ही मांग रहे हैं, लेकिन मज़ीद कोशिश करेंगे जो थोड़े कम हो गए, बचत ही है। तो अभी बाकी जब वो हमारे साझीदार हैं वो आते हैं, मैं तब तक वो कर लूँ छुरियाँ टोके निकाल लूँ, छुरियाँ तेज़ करनी है, लेकिन पहले वो ग्राइंडर पे लगवानी पड़ेगी। तो पहले चलता हूँ मैं वो ग्राइंडर पे तेज़ करवा के लाता हूँ छुरियाँ, वो उसके बाद वहाँ से आते हुए टोका जो है मेरे पास दो टोके वो देने हैं लोहार को, और फिर वापस आऊँगा। तो तब तक मेरे वो बाकी जो हैं मेरे कज़न वगैरह और वो अलहाज साहब उमैर वो भी आ जाएंगे, तो फिर चलेंगे उसके साथ सौदा करने। यार आज वैसे मेरी हांडी मेरी पसंद की बन रही है मेरे घर में, पोटा कलेजी, तो मैं अपने लिए पोटा कलेजी ले आया हूँ। तो अम्मी कह रही थी मैं पोटा कलेजी नहीं खाती, तो मेरे लिए पंजे ले आओ मुर्गी के। सो अम्मी ने अपने लिए मंगवाए हैं जनाब ये मुर्गी के पंजे। वैसे मैंने मोस्टली देखा है जो पुराने बुजुर्ग टाइप लोग हैं ना, जो मतलब बाप से जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, वो लोग मुर्गी के पंजे पाए। ओजरी, मुझे ओजरी बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आज दिन तक मतलब हार्डली मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने 3 से 4 दफ़ा खाई होगी, और जब भी खाई है मेरी तबीयत ख़राब ही हुई है। तो ओजरी तो बाज़ लोग खाते हैं, अपने अपने उसकी बात होती है तबीयत की, बाज़ लोग पसंद कर मतलब पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। सो अच्छा, एक और चीज़ होती है ये जो सीरी होती है, जिसे उसमें मगज़ खा लेता हूँ मैं, लेकिन जो सीरी का गोश्त होता है ना उसका बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है, तो मुझसे वो भी नहीं खाई जाती, वो अम्मी को बहुत पसंद है। तो अभी चलें, वैसे ये बात लंबी हो जाएगी, छुरियाँ निकालता हूँ और फिर देखते हैं क्या किया जाए उनके साथ। सो मैं निकाल लेता हूँ छुरी और ओहो दे, तो ये आगे जी हमारे लिए मैंने पिछले साल करके रखे थे इस तरह, ताकि ये इन्हें जंग वगैरह ना लगे, देखते हैं इनके क्या हालात हैं। ये वाला टोका मैं कल नया लेके आया हूँ बोटियाँ काटने के लिए, हड्डियों वाला मेरा जो है वो दूसरा टोका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये रहा जी मेरा हड्डियों वाला टोका, ये कमानी का बना हुआ है, ट्रक की कमानी का अबू ने बनवाया था। अच्छा जी, ये टोका लेके जाना है, एक ये वाला लेके जाना है, ये पान इसको लगवानी है, चढ़ानी है, इसको भी पान चढ़ा के थोड़ा तेज़ फिर इन्हें ग्राइंडर पर करवाना है। और इसके अलावा जनाब, सो ये वाली जो मेरी छुरी है ये है स्पेशली चमड़ा उतारने के लिए, ये मैं पिछले साल ली थी। ये वाली जो छुरियाँ हैं जनाब, एक ये और एक ये दो छुरियाँ हैं ज़िबा करने के लिए। ये वाली छुरी गोश्त के लिए नहीं है, गोश्त भी कट जाता है, बट ये स्पेसिफिक इसके कुछ बने हुए हैं ये आगे, ये पता नहीं किस काम के लिए, आई डोंट नो, ये कभी यूज़ नहीं की। ये भी ज़िबा करने के काम भी अच्छी आ जाती है, ये स्टेनलेस स्टील की है। सो ये रहे जी हमारे औजार कुर्बानी के लिए। बहुत शदीद गर्मी है यार, छुरियाँ मेरे ख्याल में ठीक हैं, छुरियाँ में क्योंकि मैंने तेज़ करके रखी थी, ये रख देते हैं वापस, टोके लेके जाते हैं, इनको ज़रा यस करवा लेते हैं। सो छुरियाँ मैंने रख दी हैं, तो टोके वगैरह जो हैं उससे लोहार से चंडाने के बाद बिल्कुल सेट करवाने के बाद उसकी पान वगैरह लगा के उसके बाद मैं इस पत्थर पे आके उसको रगड़ लूँगा। और मेरे पास एक वो स्टील का रॉड है जो ये कसाब लोगों के पास होता है, तो उससे वैसे बाय द वे छुरी ज़्यादा अच्छी तेज़ होती है, तो ये और वो फिर साथ ही ले जाऊँगा। छुरियों का इतना बड़ा इशू नहीं है, इनका ज़्यादा प्रॉब्लम है टोकों की, ये सेट करवाने।
चलें चलते हैं अभी। बाइक मैंने अपना नहीं लेके जाना अभी, क्योंकि साजिद भाई हैं जो उन्होंने नई बाइक ली थी तकरीबन आज से 5-6 माह पहले, तो वो तब से लेकर अभी तक खड़ी है उनके घर में। तो वो कह रहे हैं कि आज का दिन वो चलाओ क्योंकि काफ़ी अच्छे से खड़ा है, तो इसमें कोई मसला प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने ये रैप कर ली है कपड़े में टोके और इस थैले में डाल दिए, तो चले चलते हैं। आगे रास्ता बहुत ख़राब है यार बहुत ज़्यादा, इधर तो गंद हो गया है, इधर से नहीं था आना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं वैसे अब तो पहुंच गया हूँ। ये जी साजिद भाई का बाइक निकाल के स्टार्ट कर लिया है, 6 माह हो गए इन्हें लिए हुए और अभी तक ये चला कितना है, 1024 किलोमीटर। मतलब ये लोहार की दुकान पे, वहाँ पे ये देखते हैं देते हैं टोके उन्हें और वेट कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बाद में फिर वापस कौन आएगा। अस्सलाम वालेकुम, जरूर खैरी ए टोके दो चंडाने ते लाई दोनों ग्राइंडर पर भी के इसी पान लाई चंडना ग्राइंडर पर लाता ते ये। तो ये बुजुर्ग हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं इनको पान लगाने की ज़रूरत नहीं है ना इनको मतलब वो चढ़ने की ज़रूरत है, जस्ट वो कह रहे हैं ये इन्हें पान लगी हुई है, इन्हें सिर्फ बस ग्राइंडर पे थोड़ा उनका मुंह बना दूंगा और तेज़ कर दूंगा, तो आपका काम ये फर्स्ट क्लास करेंगे। अच्छा मुड़ी किसने हुआ है, उसकी पान ला रहे जब तक मेरा टोका तेज होता है तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत के बाद आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है और उसकी अशद ज़रूरत होती है। सो अभी तक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपने लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोग अंदर भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। सो देखते हैं ज़रा टोका कहाँ तक पहुँचा है। ये एक टोका हो गया तेज़, इसे अब जाके बस पत्थर पे लगाना। ये है जी बाबा जी की भट्टी, इसमें लोहे को पान वगैरह लगाते हैं, गर्म करते हैं लोहे को। अब बारी है दूसरे टोके की, तो टोका तेज़ हो रहा है दूसरा जी। ग्राइंडर का काम हो गया ख़त्म, अब ये हाथ से बाबा जी इसको ज़रा तेज़ करेंगे। नहीं ये बाला। अच्छा मुड़िया तो रेती। अच्छा ये बाला रेती ने लासो। सही आप। ये वाला हो गया रेडी और इसकी बारी है, टोके हो गए रेडी, अब इन्हें मैं करता हूँ पैक और चलते हैं घर। जाते हुए रोटियाँ लेनी है, भूख बड़ी शदीद लग रही है, हालात भी आपको नज़र आ रहे हैं, गर्मी बहुत शदीद है। तो अब लेते हैं नान और फिर चलते हैं घर, फिर करते हैं पेट पूजा जा रही है। आजकल जिधर देखें ना माल मवेशी जो है ना कुर्बानी के हर साइड में जा रहे हैं, ये बकरे अब 4-1 लाख के तो होंगे सारे। रोटियां ले ली हैं, बाइक करते हैं स्टार्ट और लिखते हैं घर। सो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पोटा कलेजा तैयार हो गया जी, मुझे तो इसकी खुशबू से और ज़्यादा भूख तेज़ हो गई है। सो तोड़ता हूँ लीमू और सलाद पे थोड़ा निचोड़ के, ये हो गए हमारे 2 लीमू। आप लोगों में से वैसे ये लीमू के छिलके किसे पसंद है, मैं तो ये लीमू के छिलके नहीं फेंकता, खासकर ये जो कच्चा लीमू है, ये निचोड़ के इसका लीमू जो है एज अ सलाद साथ खाता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मैंने वैसे देखा है उन्हें पसंद नहीं है टेस्ट, क्योंकि चना लीमू का ये मीठा सा होता है बड़ा ज़बरदस्त। तो आज साहब आ गए तो अब निकलते हैं, चलते हैं बैल देखने के लिए, बैल देख तो आए थे उसका सौदा करने के लिए। अच्छा ये बैल जी हमने पसंद की है, ये बच्चे ने के अलावा एक और भी हमने पसंद किया था लेकिन वो कुछ दिल को लगा नहीं है, तो अभी
ये वाला भी देखा था, तो इसके अब सौदा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो सौदा हो गया जी हमारा, इनातुर रहमान भाई इनसे लिया हमने, तो 1,20,000 ये डिमांड कर रहे थे, तो 1,10,000 में हमारा सौदा हो गया। हमें बैल असल में ये पसंद आया था, बैल और भी देखे थे, लेकिन ये एक चीज़ होता है ना दिल को लगती है, तो ये तीसरी दफ़ा हम आए हैं। रात को मैं आया था, मैं देख के गया, बाकी अलहाज साहब को बताया, बाकी जो हमारे थे कज़न वगैरह याद भाई उन्हें बताया, सुबह फिर आए देख के गए और अब तीसरी दफ़ा आए हैं। तो अल्लाह इन्हें अजर दे जी, बड़ी इन्होंने इज्जत की है, और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी भी कुर्बानी अब कबूल फरमाए। बैल आपको दिखाई दिया है, तो चलें अब घर जाके इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सो जनाब आज के तकरीबन ऑलमोस्ट जो मेरे टारगेट थे काम फिर हो गए हैं, बिल जमा हो गया है, बैल का सौदा हो गया है, और छुरियाँ टोके तेज़ हो गए हैं, और भी एक दो छोटे छोटे जो टारगेट आज के मैंने रखे हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गए। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे तमाम व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को या बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, का ख्याल रखिएगा अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, स्पेशली अपने वालदैन का। सो अल्लाह हाफिज़।